फिल्म अ डेथ इन द गंज की खास स्क्रीनिंग मुंबई के एक प्रीव्यू थिएटर में रखी गई थी, जहां फिल्म की स्टार कास्ट के साथ साथ बी टाउन के सितारे भी मौजूद थे, जिनमें शामिल थे कोंकणा सेन शर्मा, साथ ही साथ बी टाउन के बाकी सितारे। और फिल्म देखने के बाद क्या कहना था आपके पसंदीदा सितारों का, सुन लीजिए। ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छी लगी, आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ज़माने भी अलग है, इट्स इन द 70s, तो पूरी फिल्म की लुक भी बहुत अलग है और बेस्ड ऑन सम ट्रू फैक्ट्स, सो रियली रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वर्क ऑन। बहुत सारे कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में, बहुत यूनिट भी बहुत अच्छा था, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था और कोंकणा इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कोंकणा मेरी, ही शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस और अभी वो फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं, तो हम लोग रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इसमें, गुलशन है, कालकी है, जिम है, तो आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई थिंक आई एम गोना हैव अ ग्रेट टाइम। फिल्म की डायरेक्टर कोंकणा सेन शर्मा का क्या था कहना, सुन लीजिए। हाँ, तो ये फिल्म ऑलरेडी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई है, फिर बुसान फिल्म फेस्टिवल एंड क्वाइट अ फ्यू अदर फिल्म फेस्टिवल्स हैज गॉन टू, एंड मोस्टली वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस, सो आई एम होपफुल दैट यू नो 2nd जून इज रिलीजिंग इन इंडिया एंड आई होप दैट पीपल हियर विल आल्सो लाइक इट। इस मौके पर मौजूद अदिति राव हैदरी ने क्या कहा, सुन लीजिए। आई लव फोटो एंड आई एम डाइंग टू सी व्हाट शी इज मेड, शी इज सच एन अमेजिंग एक्टर एंड आई फील द एक्टर्स हु आर इन दिस फिल्म आर वेरी लकी टू बी डायरेक्टेड बाय हर। वेल, अ डेथ इन द गंज आने वाली 2nd जून को रिलीज होने वाली है और देखना ये खास होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है।